दो कारण जान लीजिए और आप भी सफल हो जाएंगे। ये इन दो कारणों को, इन दो रहस्यों को पूरी दुनिया के 3% लोग जानते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं। 97% लोगों में, बहुत ढेर सारे लोग तो जानते हैं बट इस्तेमाल नहीं करते हैं। 3% लोग ही कामयाब होते हैं। इसके पीछे का सीक्रेट ये है कि 3% लोग इन रहस्यों का इस्तेमाल करते हैं। पहला रहस्य कि वो अप्लाई करते हैं, जो भी फॉर्मूले उन्हें मिलते हैं सफल लोगों के द्वारा, जो सफल हो चुके हैं, तो कामयाब जो हो चुके हैं, उन्होंने जिन फॉर्मूलों को अपनी लाइफ में अप्लाई किया, उन्हीं फॉर्मूलों को दूसरे वे लोग अप्लाई करते हैं जो 3% कामयाब लोगों की कैटेगरी में आते हैं। तो कौन सा? कि वो पहले नंबर पे अप्लाई करते हैं। क्या अप्लाई करते हैं? जो फॉर्मूले आते हैं उन्हें अप्लाई करते हैं। ये नहीं कि किताबों में पढ़ लिया, यूट्यूब पर सुन लिया, या किसी से सुन लिया, सेमिनार में चले गए, उन्होंने बोला कि आपको एवरीडे सेवर्स, यानी कि जो हैबिट ऑफ सेवर्स, जो सफल लोगों की 6 आदतें हैं, सेवर्स यानी कि यस फॉर साइलेंट, मॉर्निंग में साइलेंट रहना, ए फॉर अफर्मेशन देना, 5 मिनट अफर्मेशन देना, 5 मिनट साइलेंस रहना, फिर वी फॉर विजुलाइजेशन, विजुलाइजेशन करना 5 मिनट, फिर ई फॉर एक्सरसाइज करना जिससे कि बॉडी फिट रहे, और आर फॉर रीडिंग यानी कि बुक्स रीड करना, और यस फॉर सब्सक्राइबिंग यानी कि जब आप कोई भी बुक्स पढ़ते हैं या कुछ लिखते हैं अपने बारे में अच्छी चीजें। ये इन 6 चीजों को फॉलो करने वाले जो लोग होते हैं वो एक्चुअल में सफल होते हैं, या सफल लोग इन 6 चीजों को फॉलो करते हैं। अब आपको बताया जाएगा कि आप इन चीजों को अपनी लाइफ में अप्लाई कीजिए, आप भी सफल हो जाएंगे। तो 97% लोग तो अप्लाई नहीं करेंगे, वो तो गए ना, क्या मैं लोगों में किस श्रेणी में आ गए। लेकिन 3% लोग होते हैं इस सेवर्स को या ऐसे दूसरे फॉर्मूलों को अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं। यानी कि अगर उनको बताया जाता है कि देखिए आपको सिर्फ देना है, किसको देना है? अपने आप को देना है। क्या देना है? अपने आप को ज्ञान देना है, शांति देना है, सुख देना है, प्रेम देना है, आराम देना है, चैन देना है, और कामयाबी के लिए मेहनत करनी है, ईमानदारी से काम करना है, और देना है, और जरूरतमंदों की मदद करना है। तो ये भी अप्लाई करने वाली एक बात है, लेकिन जो लोग सुन लेते हैं अप्लाई नहीं करते हैं वो कामयाब नहीं होते हैं। और 3% लोग इसे, इन फॉर्मूलों को इसी तरह से अप्लाई करते हैं, इसलिए वो कामयाब होते हैं। दूसरा रीजन कि वो कॉन्फिडेंस में रहते हैं, पूरे विश्वास में रहते हैं कि मैं जो कर रहा हूं वो बिल्कुल ही राइट होगा, यानी कि उसका परिणाम भी राइट होगा। कॉन्फिडेंस में रहते हैं, विश्वास में रहते हैं, उन्हें अपने आप पर विश्वास रहता है, उन्हें अपने काम पर विश्वास होता है, उन्हें गॉड पर विश्वास होता है। वो प्रेयर प्रार्थना भी करते हैं, सफल लोग बहुत प्रेयर प्रार्थना करते हैं, साधना मेडिटेशन करते हैं सफल लोग, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर मैं प्रेयर कर रहा हूं तो गॉड मेरी प्रेयर के बदले में मुझे जरूर रिजल्ट देगा। वो जानते हैं कि उनकी लाइफ में अभी अगर कोई क्राइसिस है, कोई प्रॉब्लम है, कोई दुख है, तो ये दुख उन्हें और ऊपर उठाने के लिए है, ये दर्द, ये प्रॉब्लम, ये कष्ट उन्हें और आगे बढ़ाने के लिए है। वो जानते हैं, वो घबराते नहीं हैं, उस प्रॉब्लम से भागते नहीं हैं, उस प्रॉब्लम का सामना करते हैं। सफल लोग जो 3% लोगों के कैटेगरी में आते हैं वो इन दोनों नियमों को फॉलो करते हैं, यानी कि ये दो ही काम करते हैं। आप भी सिर्फ यही दो काम कीजिए, आप भी उन 3% कामयाब लोगों की कैटेगरी में आ जाएंगे। पहला काम कि आप नियमों को फॉलो कीजिए, अपनी लाइफ में अप्लाई कीजिए। दूसरा काम कि विश्वास कीजिए अपने ऊपर, गॉड के ऊपर, प्रेयर के ऊपर, अपने काम के ऊपर कि आप जो कर रहे हैं उससे होगा। विश्वास कीजिए कि आप जो अपने को दे रहे हैं दूसरे को दे रहे हैं उसका कई गुना आपको मिलेगा। विश्वास कीजिए। 3% लोग इन्हीं दोनों कामों को करते हैं, और वो 3% लोग कामयाब लोगों की कैटेगरी में होते हैं। उनके पास धन संपदा, सुख शांति, आराम चैन, अच्छे रिश्ते, खुशियां, आनंद, धन दौलत, सब कुछ होता है। ये सब कुछ आप पाना चाहते हैं, इन दो नियमों को फॉलो कीजिए, आपकी जिंदगी में सब कुछ होने लग जाएगा। आप भी 3% कैटेगरी के लोगों में आ जाएंगे। थैंक यू।